आज हम सिंपल क्रोशे की लेस डिज़ाइन बनाएंगे। और कोई प्रेफर करता है बीट्स या पर्ल के साथ और कोई विदाउट पर्ल के प्रेफर करता है, तो हम दोनों टेक्निक्स को सीखेंगे। इसके लिए मैंने 1.1 mm स्टील क्रोशे हुक लिया है और रेगुलर सिल्क थ्रेड है। सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे इस तरह से फैब्रिक पे स्लिप नॉट लगाते हुए और चेन टू बनाएंगे। 1 2 चेन टू बनाने के बाद डबल क्रोशे बनाएंगे 3 टाइम सेम स्पेस में। अगर आप बगैर पर्ल के बना रहे तो इस तरह फॉलो करेंगे, चेन टू बनाएंगे 3 ट्रेबल क्रोशे सेम स्पेस में और अब चेन फाइव बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन फाइव बनाने के बाद ज़्यादा लूज चेन फाइव नहीं बनानी है, स्ट्रेट बनानी है। अब ये देखना है कि हमारी चेन फाइव फैब्रिक में कहाँ तक जाती है, इसे स्ट्रेट रखते हुए देखना है। इस तरह से प्रॉपरली देखकर हमें इसे वहीं पर जहाँ तक वो जाती है डिज़ाइन, वहाँ पर हमें इसे अटैच कर देना है। तो ये डिज़ाइन हुई विदाउट पर्ल के। अब हम पर्ल के साथ सीखेंगे बनाने। तो चेन टू बनाएंगे। अब ये सेम जो स्पेस है बेस पे जहाँ पर ये सिंगल क्रोशे है, वहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल क्रोशे बनाया है मैंने चेन टू के बाद। तो अब एक पर्ल को इस तरह से इसमें स्लिप कर देंगे, पर्ल या बीड्स जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं इस तरह से। अब सेम स्पेस में जो रिमेनिंग जो बचे हुए 2 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे, ये यहीं पर सेम स्पेस में बनाते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। वन टू टू डबल क्रोशे और 1 पर्ल के साथ बनाए। अब चेन फाइव बनाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाते हुए स्ट्रेट करते हुए इसे भी हमें इसके एज पे अटैच कर देना है। तो इस तरह से दोनों टेक्निक से आप बना सकते हैं विथ पर्ल और विदाउट पर्ल के।